हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरियाज। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज होते हैं उनमें हेयर ग्रोथ होती है ना। जैसे मान लो ये है एक गर्ल, अब देखिए तो आर्मपिट्स, ये हाथों के नीचे का जो भाग है, यहाँ यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है। फिर जेनाइटल एरिया जो कि जांघों के बीच में, थाइस के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो फर्स्ट तो यही कह रहा है। दूसरा, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ने लगता है। तो ब्रेस्ट साइज, यहाँ ब्रेस्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड है डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निप्पल्स, जो निप्पल्स होते हैं उनके आसपास की जो स्किन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ निप्पल के आसपास की स्किन डार्क हो जाएगी, बाकी जो है ब्रेस्ट वो उसी स्किन के कलर के रहेंगे। फिर है फोर्थ, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग होती है हर 28 डेज में, वो स्टार्ट हो जाती है। और फिफ्थ है ऑयली स्किन एंड अपेरेंस ऑफ पिंपल्स, और जो ऑयली स्किन है, जो फेस की स्किन है वो ऑयली हो जाती है, ऑयल ऑयल दिखने लगता है, और कभी कभी पिंपल्स, नॉर्मली क्या है इस एज में, प्यूबर्टी के एज में पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं गालों पर। तो इस तरह से ये चेंजेस हैं जो कि एक गर्ल्स में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी हमें देखने को।